धन्यवाद दोस्तों मैं श्याम धर्मिंद जैसा कि इस समय प्रश्नावली टू पॉइंट टू प्रश्नावली टू पॉइंट टू का आज हम पार्ट नंबर टू सवाल नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे पार्ट वन में हम आपको यानी कि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में पाँच से स्टार्ट करेंगे इसके पहले प्रश्नावली टू पॉइंट टू का हर एक सवाल आपको दे दिया गया है अब देखिए सवाल नंबर फाइव है आपका यदि बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस चार करणी में तीन यक्स प्लस तीन के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा धन बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए देखिए सवाल दिया गया है आपको यानी कि प्रश्नावली टू तो पॉइंट टू तो का पांचवा सवाल है आपका बहुपद दिया गया है बहुपद बहुपद आपको दिया गया है क्या दिया है भाई दिया है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर माइनस चार करड़ी में तीन बगल में एक प्लस तीन प्लस तीन के शून्य के शून्य कहा गया है कि अल्फा बीटा हैं अल्फा बीटा हैं तो शून्य आपको बताया गया है तब हमसे मान पूछा गया है अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान बताना है हमें हमसे पूछा गया है अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा बीटा का क्या मान है अब देखिए हम लगाएंगे इसके लिए हमें अल्फा धन बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए यानी कि मूलों का योगफल और गुणनफल चाहिए और हम फार्मूला जानते हैं मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल कह दे चाहे मूलों का योगफल कह दे लेकिन सवाल में इसमें शून्य कहा गया है तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस मूलों का यानी शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक फार्मूला होता है अब इसी में रखेंगे देखिए माइनस यक्ष का गुणांक कितना रखेंगे यक्ष का गुणांक मतलब यक्ष के बगल माइनस चार करी में तीन इसके बाद यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है कुछ नहीं तो एक लिया जाएगा अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस चार करी में तीन अल्फा दम शून्यकों का योगफल तो निकल गया अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है अचर पद अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक अब देखें अचर पद का मतलब बिना यक्ष वाला प्लस तीन दिया है प्लस तीन प्लस नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है यक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है एक दिया है कुल मिलाकर एक से तीन में भाग देंगे तो कितना आएगा तीन अब अब तो निकल गया अब हमसे यही मान पूछा है अल्फा धन बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान चाहिए अब देखिए अल्फा धन बीटा का मान कितना निकाले हैं हम चार करड़ी में तीन चार करड़ी में तीन रखा इसके बाद माइनस अल्फा बीटा अल्फा बीटा का मान कितना निकाले हैं तीन तीन रखा यही आपका आंसर हो गया यही आपका आंसर हुआ अब अगला सवाल देखिए आप सवाल आपका है छठा सवाल स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा यदि बहुपद टू स्क्वायर माइनस सात यक्स धन तीन के शून्यक पी तथा क्यू हैं अगले में भाई शून्यक अल्फा और बीटा बोला गया था लेकिन इसमें शून्यक पी तथा क्यू है हो तो पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए देखिए बहुपद दिया गया है छठवां सवाल है बहुपद दिया गया है बहुपद बहुपद दिया गया है आपके किताब में टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस सात एक प्लस तीन यह बहुपद है के शून्यक के शून्य पी क्यू हैं इनके शून्य पी और क्यू हैं तब हमसे मान पूछा गया है कि पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर का क्या चाहिए मान चाहिए अब देखिए इसी का मान निकालना है आपको इतना सब कुछ दिया गया है टू एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस तीन बहुपत दिया है शून्य पी और क्यू दिया गया है पी स्क्वार धन क्यू स्क्वायर का मान चाहिए देखिए पहले पी स्क्वायर का पी स्क्वार धन क्यू स्क्वायर का मान चाहिए हम इनका मान डायरेक्ट तो पी और क्यू दिया गया है शून्य डायरेक्ट तो हम भाई पी का मान तो जानते नहीं क्यों का मान तो जानते नहीं लेकिन यही निकालेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल से शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल का मतलब पी धन क्यू माइनस यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक सूत्र होता है माइनस यक्ष का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक अब देखिए माइनस अपने जगह है यक्स का गुणांक कितना है माइनस सात कितना है माइनस सात यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना नीचे स्क्वायर का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक दो माइनस का गुणांक माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस सात बटा दो पी धन क्यू का मान हम जान लिए अब शून्यकों का गुणनफल होता है शून्यकों का गुणनफल का मतलब पी इन टू क्यू भाई शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक अब देखिए अचर पद का मतलब बिना यक्ष वाला तीन है स्क्वायर का गुणांक नीचे लिखा गया है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक दो है बस पी धन q का मान जाना हम पी इन टू क्यू का मान जाना हमें तो यह मान पूछा गया है इतना मान तो हमने जाना लेकिन यह मान हम इसमें कैसे रखें इसी को तोड़ेंगे हम इनको तोड़ सकते हैं पी धन q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन यह लिखेंगे तो देखिए यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सेट करेंगे पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर धन टू पी क्यू आएगा धन टू पी क्यू को ख़त्म करने के लिए माइनस टू पी क्यू इसी में एडजस्ट करेंगे जोड़ेंगे अब देखिए इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं भाई गणित का रूल है ऐसा कुछ कीजिए जिससे सवाल पर फर्क ना पड़े यानी कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं आप फार्मूला खोलिए देखिए लिखेंगे ए प्लस बी का होली स्क्वायर जब खोलेंगे तो पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर धन टू पी क्यू जो धन टू पी क्यू आएगा फालतू तो इसी को कटाने के लिए माइनस टू पी क्यू हमने एडजस्ट किया बस अब मान रखेंगे पी प्लस क्यू की जगह कितना रखेंगे पी प्लस क्यू के जगह सात बटे दो सात बटे दो लिखा इनका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर किया माइनस दो पी इंटू क्यू पी इंटू क्यू का मान हम निकाले हैं तीन बटा दो दो पी क्यू के बीच में गुणा का निशान है पी क्यू का मान तीन बटे दो है दो से दो कटा भाई अब इधर स्क्वायर करेंगे सात सत्ते उनचास दो ना चार माइनस तीन चार का इसमें गुड़ा करेंगे तो सब का बटा हो जाएगा इसको हम उनचास माइनस चार तिही बारह सब का बटा चार उनचास में से बारह निकालेंगे तो सात तीन सैंतीस बटे चार आएगा यही आपका आंसर हुआ भाई नौ में से दो निकालेंगे सात चार में से एक निकालेंगे तो यानी कि सैतीस बटा चार यह हुआ आंसर अब अगला सवाल देखिए सवाल नंबर सात है आपका यदि बहुपद तीन एक्स स्क्वायर धन ग्यारह यक्ष माइनस चार के शून्य यम तथा यन हो तो यम बटा यन धन यन बटा यम का मान ज्ञात कीजिए देखिए बहुपद दिया गया है सातवां सवाल है बहुपद आपके किताब में है बहुपद का मान दिया गया है आपके किताब में कितना तीन स्क्वायर धन ग्यारह एक तीन स्क्वायर धन ग्यारह एक माइनस चार यह दिया गया है माइनस चार के शून्य के शून्य इसके यम और यन है शून्यक यम और यन है तब हमसे मान पूछा है यम यन धन यन बटे यम का मान हमें बताना है यम यन धन यन बटे यम का मान हमें बताना है देखिए पहले हम इनसे इनका योग फल और गुणनफल फल निकालेंगे क्यों निकालेंगे देखिए यम बटा यन का मान डायरेक्ट तो हम रख नहीं सकते भाई यम एन का मान हम जानते नहीं अगर इनका हम लेस लेंगे देखिए अगर इनका हम लेस लेंगे यम एन यन।, यन से भाग देंगे एन कटेगा यम का गुड़ा करेंगे यम में तो यम स्क्वायर हो जाएगा प्लस यम का ये भाई यम से भाग देंगे तो भाई यम एन में यम कट जाएगा एन का गुड़ा जस्ट ऊपर यन स्क्वायर अब देखिए यम स्क्वायर धन यन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना भाई यम प्लस यन का होल स्क्वायर माइनस टू यम यन ये सूत्र होता है यानी कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर के सूत्र के अनुसार से सेट कर सकते हैं आप फार्मूला बना लीजिए यानी कि यम यान स्क्वायर धन यन स्क्वायर बराबर सूत्र जैसे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ऐसी के अनुसार से इसे भी हम सेट कर दिया नीचे क्या है यमयन बस यानी कि हम प्लस यम प्लस यन का मान जान जाए और यम का मान यमय यन का मान जान जाए इसी में रखेंगे एंसर होगा अब जानेंगे कब जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे शून्यकों का शून्यकों का योगफल योगफल का मतलब शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल का मतलब यम धन यन यम धन यन निकालेंगे फार्मूला होता है माइनस यक्ष का गुणांक माइनस यक्ष का गुणांक नीचे यक्ष स्क्वायर का गुणांक स्क्वायर का गुणांक अब देखिए माइनस अपने जगह है यक्ष का गुणांक कितना है ग्यारह यक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना है तीन निकल गया भाई अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल गुणनफल निकालेंगे यानी कि यम इंटू यन का मान फार्मूला होता है अचर पद अचर पद नीचे क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांग अब देखिए अचर पद कितना दिया गया है माइनस चार यक्ष स्क्वायर का गुणांक तीन बस हमने यम एन का मान जाना और यम प्लस एन का मान जाना यम प्लस एन का मान माइनस ग्यारह बटे तीन और यम एन का मान माइनस चार बटे तीन यही मान इसमें रखेंगे हल करेंगे आंसर होगा यम प्लस यन की जगह कितना रखेंगे भाई देखिए माइनस ग्यारह बटे तीन इसके जगह रखा इनका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर किया भाई अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस किया टू है तो टी टू लिखा यम एन का मान माइनस चार बटे तीन माइनस चार बटे तीन रखा और सब का बटा यम एन यम एन का मतलब माइनस चार बटे तीन रखा अब देखिए इनको हल करेंगे माइनस ग्यारह बटा तीन का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ग्यारह ग्रह एक सौ इक्कीस तीन त्रिका नौ और माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा और चार धुनी आठ बटे तीन अब इनका बटे है कितना भाई माइनस चार बटे तीन या भिन्न का जोड़ हो गया भिन्न का जोड़ के अनुसार से हल करेंगे अब इनका हम लस लेंगे क्या लेंगे लस लस लेंगे कहीं आपको अगर परेशानी हो तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं देखिए इनका लस कितना होगा नौ लस हमने लिया नौ नौ का नौ एक सौ इक्कीस प्लस तीन तिक्का नौ तीन आठ चौबीस हो जाएगा अब बटे में है माइनस चार बटा तीन गुड़े पलट जाएगा माइनस तीन बटे चार हो जाएगा अब देखिए यह तीन से यह नौ कटेगा तीन तिरिका नौ अब एक सौ इक्कीस और चौबीस हम जोड़ेंगे तो आएगा कितना भाई देखिए एक सौ चार एक पाँच हुआ दो दो चार हुआ एक एक सौ पैतालीस ऊपर आ गया और नीचे आ गया चार बारह कितना आ गया बारह आ, आ गया आपका और यह माइनस हमने लिख दिया यानी कि एक सौ पैतालीस बटे बारह कटेगा देख लीजिए अगर कट तीन तीन से कट रहा तीन सौ का बारह अगर यह देखिए कटेगा तीन चौका बार पच्चीस आ गया तो कटना मुश्किल है यानी कि माइनस एक सौ पैंतालीस बटे बारह हुआ यही आंसर अब अगला सवाल आप देखेंगे लेकिन यह सवाल आप जानिए जरूर सवाल नंबर आठ है आपका बहुपद अड़तालीस धन टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए एकदम पहला जैसा सवाल है लेकिन हम बताएंगे आपको आठवां नंबर सवाल आपका है सवाल आप देखा आठवां सवाल है आपका दिया गया है बहुपद शून्य ज्ञात करना है माना बहुपद माना बहुपद पिय बराबर इसी को हम पी एक्स बराबर मान लिया कितना भाई साहब है आपका माइनस देखिए दिया है अड़तालीस धन टू यक्स अड़तालीस धन टू यक्स अड़तालीस धन टू यक्स माइनस यह दिया गया है यह दिया गया है बस इनका शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करना है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है देखिए जांच करेंगे भाई इसी को हम गुणनखंड करेंगे गुणनखंड क्या करेंगे यहाँ पर ऋण है ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना भाई दो आप समझ रहे हैं आठ छंग अड़तालीस आठ में से छः निकालेंगे दो आएगा अड़तालीस का ऐसा खंड करें ऋण कह रहा है कि घटा के ले आइए कितना दोई आठ छ अड़तालीस अब देखिए पी एक्स बराबर हमने लिखा अड़तालीस प्लस आठ माइनस छ बगल में एक माइनस एक पी एक्स बराबर प्लस का और यक्ष के अंदर बुरा करेंगे अड़तालीस प्लस आठ एक माइनस छः छस माइनस यक्स इसका जोड़ा बनाकर कामन लेंगे इसमें से कामन आठ कामन हो रहा है आठ से भाग देंगे छ आएगा आठ छः अड़तालीस प्लस यक्स यहाँ पर माइनस यक्स कामन लेंगे माइनस यक्स कामन लेंगे तो यहाँ पर के बाद बचा और यक्स बचा अब यह दोबारा कामन हो रहा है तब पी एक्स बराबर दोबारा काम लेंगे धन यहां पर बचा आठ माइनस यक्स अब देखिए शून्य के लिए पी एक्स बराबर जीरो सुन्यक के लिए शून्य ज्ञात करना है शून्य का मतलब कि यक्स का मान निकालना है आपको शून्य के लिए पी एक्स बराबर हम जीरो रखेंगे तो यह जीरो बराबर हो जाएगा छ धन यक्ष और आठ माइनस यक्ष जब यह गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो होगा एक बार छ धन यक्ष बराबर जीरो होगा तो यक्ष बराबर माइनस छ एक उत्तर यह हुआ दूसरा आठ माइनस यक्ष बराबर जीरो माइनस यक्ष को उस बा उस साइड ले जाएंगे तो यक्ष धन में हो जाएगा कहने का मतलब एक यक्ष बराबर माइनस हुआ एक यक्ष बराबर आठ हुआ यह इसके शून्यक है अब आपको सत्यता की जांच भी करनी है सत्यता की जांच सत्यता की जांच सत्यता की जांच सत्यता की जांच कैसे करेंगे अब एक बार शून्यकों का योगफल निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे जो फार्मूला होता है शून्यकों का भाई शून्यकों का योगफल और गुणा भाई शून्यकों का गुणनफल फल जो सूत्र होता है आपको सैटिज फाइव होना चाहिए देखिए देखिएंकों सुन्य, का शून्यंकों का योगफल निकालेंगे योगफल फल शून्यंकों का योगफल फल शून्यंक क्या है माइनस और आठ है इनका योगफल करेंगे माइनस छः धन आठ अब हल करेंगे तो केवल दो आएगा इसी को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं माइनस यक्ष का गुणांक माइनस यक्ष का गुणांक नीचे यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं कैसे आप देखिए यहाँ पर है अगर माइनस यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक अगर आप सेट करेंगे तो कितना आएगा दो आएगा क्योंकि अगर माइनस कामन लेकर सेट करेंगे तो इतना ही आएगा अब देखिए शून्यांकों का गुण भाई ये तो निकल गया योगफल योगफल आ गया अब हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल यह आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए देखिए हम दिखा दे रहे हैं माइनस यक्स का गुणांक क्या है यक्ष का गुणांक दो है नीचे क्या है यक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस एक माइनस माइनस से प्लस हो गया माइनस माइनस से भाई यह सिस्टम कैंसिल कुल मिलाकर दो आया यहाँ दो है इसलिए यह सत्यता की जांच हो गई योगफल बराबर अब शून्यंकों का गुणनफल हम चेक कर रहे हैं देखिए शून्यांकों का शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणफल शून्यंक क्या है माइनस छ और आठ का गुणा करेंगे माइनस छ गुड़े आठ आएगा कितना माइनस अड़तालीस इसी को लिख सकते हैं अचर पद अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं अब देखिए अचर पद का मतलब कितना 48 यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब माइनस एक कुल मिलाकर माइनस अड़तालीस ही आएगा देखिए अचर पद कितना दिया है 48 और यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है माइनस एक कुल मिलाकर माइनस अड़तालीस ही आएगा इसलिए यह सुनयाकों का गुणनफल और सुनयाकों का योगफल की सत्यता की जाँच हुई अब देखिए अगला सवाल आप देखेंगे सवाल नंबर नौ है आपका यदि बहुपद यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पाँच धन सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक दस के बराबर है कहने का मतलब शून्यकों का योगफल भी दस है शून्यकों का गुणनफल भी दस है तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए देखिए बहुपद सवाल नंबर नौ है बहुपद दिया गया है आपकी किताब में बहुपद कितना दिया गया है ए एक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस पाँच एक्स धन सी यह बहुपद दिया गया है आपको ए एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स धन सी आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी सब का मान दिया गया है दस ए और सी का मान याद करना है देखिए शून्यकों शून्यकों का योग फल शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है या माइनस यक्ष का गुणांक का गुणांक नीचे होता है यक्ष स्क्वायर का गुणांक स्क्वायर का गुणांक शून्यकों का योगफल कितना दिया है यह किताब में दिया है शून्यकों का योगफल का मान दस माइनस यक्ष का गुणांक कितना है माइनस लिखा एक का गुणांक कितना है माइनस पाँच यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए अब देखिए माइनस यहाँ पर दस लिखा और माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस पाँच बटे ए ये गुणा ए के इधर दस के इधर ए बराबर पाँच बटे दस इसे कटाएंगे तो ए बराबर एक बटे दो एक आंसर आ गया है आपका अब क्या निकालना है शून्यको भाई एक मान निकल गया अब सी का मान बचा है अब, अब फार्म भाई आपकी किताब में दिया है शून्यकों का गुड़न फल शून्यको का गुड़न फल शून्यको का फल सूत्र होता है अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक अचर पद अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यक्ष स्क्वायर का गुणांक अब देखिए अचर पद सुनकों का गुणनफल का मान कितना दिया है किताब में दस शूनिकों का योगफल और गुणनफल की जगह दस रखना है अचर पद का मतलब बिना यक्ष वाला यानी कि सी यक्ष स्क्वायर का गुणांक का मतलब ए अब देखिए ए का तिर्यक गुणा करेंगे तो दस गुड़े ए हो जाएगा बराबर सी दस लिखा एक का मान हमने निकाला है एक बटा दो बराबर सी दो से दस कटेगा दो पंचे दस कहने का मतलब सी बराबर कितना आ जाएगा पाँच यानी कि ए का मान एक बटा दो हुआ सी का मान एक भाई सी का मान पाँच हुआ अब देखिए सवाल नंबर नौ था अब सवाल नंबर दस सवाल नंबर दस है बहुपद दिया गया है बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस एक बटा छः एक माइनस दो के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के बीच के संबंध के सत्यापन भी करना है आपको बहुपद दिया गया है सत्यापन करना है ढेर सारे सवाल आपने लगाए हैं देखिए बहुपद सवाल नंबर आपका दस है बहुपद बहुपत कितना दिया है बहुपत पी एक्स मान लिया बहुपत का मान पी एक्स बराबर मान लिया दिया गया है यक्स स्क्वायर धन यक्स स्क्वायर धन एक बटा छः एक माइनस दो माइनस दो दिया गया है इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जो सत्यता है उसको चेक करना है आपको देखिए किसी को लिख सकते हैं पी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं छ का गुड़ा किया यक्स प्लस जिनका बटा होता है इसमें गुड़ा नहीं होता कहने का मतलब यक्स माइनस छः दूनी बारह सबका बटा हो गया यह छः अब देखिए इनका गुणनखंड करेंगे बारह का छ में गुड़ा करेंगे बारह छः बहत्तर यह ऋण कह रहा है कि घटा के लिए आइए कितना ऋण रहा है कि घटा के लिए कितना यक्ष के बगल जितना है एक बारह छंग बहत्तर इधर नौ वठ बहत्तर बारह छंग बहत्तर यानी कि नौ वठ बहत्तर पी यक्ष बराबर हम लिखेंगे छ यहाँ पर यक्ष स्क्वायर साथ दिया गया है क्या दिया गया है यक्ष स्क्वायर है एम सॉरी यहाँ पर यक्ष स्क्वायर है यहाँ पर यक्स इस है अब देखिए छक्स स्क्वायर प्लस हमने कहा बारह छंग बहत्तर होता है बहत्तर का खंड कीजिए ऋण कह रहा है कि घटा के लिये कितना एक यानी कि नौ वठ बहत्तर नौ माइनस आठ बगल में एक और माइनस बारह सबका बटा छ अब देखिए पी एक्स बराबर छक्स स्क्वायर प्लस का और यक्ष के अंदर करेंगे तो नौ यक्ष माइनस आठ यक्ष माइनस बारह का बटा छ लिख सकते हैं कामन लेंगे ऊपर से जब कामन लेंगे तो कितना कामन मिलेगा तीन यक्ष तीन यक्ष कामन तीन यक्ष से भाग तीन यक्ष से भाग देंगे तो आएगा टू यक्ष यहाँ प्लस तीन यहाँ पर क्या कामन लेंगे देखिए चार माइनस चार काम लेंगे तो चार दूनी यानि कि टू यक्स प्लस चार तिहाई बारह फिर दोबारा कामल लेंगे यहाँ पर टू यक्स प्लस तीन दोबारा कामल और सबका बटे छः था ये तो हम यहाँ पर लिखना भूल गए भाई देखिए सबके बटे छ है जब हम कामन लेंगे टू यक्स प्लस तीन यहाँ बचा तीन एक माइनस चार सबका बटा कितना भाई छ था छ लिखा हमने शून्य के लिए शून्य के लिए क्या करते हैं पी एक्स बराबर जीरो रख देते हैं जब पी एक्स बराबर जीरो छः का भाई छः का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा आएगा कुल मिला के जीरो बराबर एक बटा छः टू एक्स प्लस तीन टू प्लस तीन और दिया गया है कितना भाई तीन माइनस चार तीन एक्स माइनस चार अब भाई गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो होगा यह जब गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो एक बार टू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो यक्ष का मान निकालेंगे तो माइनस तीन बटे दो आएगा अगली बार तीन यक्ष माइनस चार बराबर जीरो यक्ष का मान निकालेंगे तो चार बटे तीन आएगा इसका शून्यक आ गया अब हमसे कहा गया है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच में जो सत्यता की चे भाई जांच करनी है अब देखिए शून्यांकों का योगफल निकालेंगे सत्यता की जांच अब कर रहे हैं शूनकों का योगफल अगर योगफल निकाला माइनस तीन बटे दो में प्लस चार बटे तीन जोड़ा तीन बटे दो में चार बटा तीन अगर जोड़ेंगे तो इसे हम हल करेंगे देखिए छः लेस भाई लेस लिया दो तियाई तीन तिरिका माइनस नौ तीन दुनी दो दूना घटाएंगे तो कितना आएगा भाई माइनस सात बटे छः आएगा माइनस सात बटे छ आएगा देखिए छ लिया भाई दो तियाई तीन त्रिका नौ तीन से भाग देंगे छ में तीन दूना दू दो चौका आठ दो चौका आठ तभी तो हम सोच रहे हैं तीन दूनी छः दो चौका आठ यानि कि माइनस एक बटे छः आएगा अब इसी को हम कह सकते हैं देखिए माइनस यक्स का गुणांक यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक कह सकते हैं कैसे हम दिखा रहे हैं माइनस क्स का गुणांक कितना तो लिखेंगे एक बटे छस स्क्वायर का भाई माइनस यक्स का गुणांक मतलब एक बटे छक्वायर का गुणांक मतलब एक आएगा माइनस एक बटे छ माइनस एक बटे छह को हम इतना लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल से भी चेक करेंगे शून्यंकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल अगर हम ज्ञात करेंगे शून्यंक कितना है माइनस तीन बटा दो और चार बटा तीन गुणनफल दो से चार कट रहा है तो पहले कटा दीजिए तीन से तीन कट रहा है कटा दीजिए कुल मिलाकर आएगा कितना भाई माइनस दो इसी को कह सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक अचर पद का मतलब माइनस दुई स्क्वायर का गुणांक का मतलब एक यानी कि माइनस दुई बटा एक लिख सकते हैं और माइनस दुई बटा एक को अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक हम बोल सकते हैं अब सवाल देखिए इस पार्ट में आखिरी होगा ग्यारह ग्यारह नंबर सवाल सवाल नंबर ग्यारह इस पार्ट में आखिरी सवाल होगा गुणनखंड बहुपद सात माइनस छः बटे तीन वाई माइनस दो बटे तीन की शून्य ज्ञात कीजिए शून्य किसमें वाई के रूप में दिया गया है तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए संबंध भी सत्यापित करना है माना बहुपद मान लिया माना बहुपद माना बहुपद पी वाई मानेंगे क्यों क्योंकि वाई के रूम में व्यंजक दिया गया है वाई के रूम में सवाल दिया गया है कितना दिया गया है सात वाई स्क्वायर सात वाई स्क्वायर माइनस ग्यारह बटे तीन वाई ग्यारह बटे तीन वाई ग्यारह बटे तीन वाई माइनस दो बटे तीन वाई के रूम में सवाल दिया है इसीलिए वाई के रूम में हमने माना अब देखिए आखिरी सवाल है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलिए अब देखिए गुड़नखंड द्वारा कहा गया है कि हमें शून्य ज्ञात करना है गुड़नखंड द्वारा इस वाई का मान निकालना है कहने का मतलब यह है पी वाई बराबर हमने लिखा इनका लेस लेंगे तीन आएगा इनका सात बटे एक किया एक से भाग देंगे तीन तीन का गुणा तीन सत्यक्कीस इक्कीस वाई स्क्वायर माइनस तीन एक का तीन एक का जस्ट ग्यारह वाई और यहाँ पर आएगा माइनस दो अब देखिए गुणनखंड करेंगे इक्कीस का दो में गुणा करेंगे और ऋण कह रहा है कि घटा के लिए ये कितना ग्यारह इक्कीस का दो में गुणा करेंगे तो बयालीस आएगा बयालीस का खंड करेंगे तो आ जाएगा तीन सत्य सात का सात इसी में से देखिए कहा गया है कि ऋण कह रहा है कि घटा के लिए कितना ग्यारह अब देखिए यानी कि सात दूनी चौदह चौदह में से अगर तीन निकालेंगे तो ग्यारह आ जाएगा सात दूनी चौदह चौदह में से तीन निकालेंगे ग्यारह और चौदह तरीक बयालीस भी होता है यानी कि सवाल सत्य है अब पी वाई बराबर हमने लिखा इक्कीस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ ग्यारह के जगह चौदह माइनस तीन बगल में वाई माइनस दो सब के बटे तीन बस गुणनखंड अब करेंगे गुणनखंड के जरिए हम शून्यक निकालेंगे आपका देखिए पी वाई बराबर एक बटा तीन हमने आगे लिख दिया अब देखिए अंदर बुरा करेंगे इक्कीस वाई स्क्वायर माइनस का और वाई के अंदर चौदह वाई प्लस तीन वाई माइनस दो अब जिसमें से काम लेंगे हम देखिए पी वाई बराबर एक बटा तीन लिखा कामन क्या मिल रहा है भाई देखिए सात वाई कामन सात थ्री के कई से एक वाई माइनस सात दो यानी कि टू प्लस एक कामन लेंगे तो तीन वाई माइनस दो अब देखिए यह दोबारा कामन मिल रहा है भाई यानी कि एक बटा तीन लिखा तीन वाई माइनस दो दोबारा कामन यहाँ पर बचेगा सात वाई प्लस एक शून्य के लिए पी वाई बराबर जीरो रखेंगे शून्य के लिए पी वाई बराबर क्या रखेंगे जीरो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एक बटा तीन तीन वाई माइनस दो और सात वाई प्लस वन जब ये गुणनखंड के रूप में जीरो तो अलग अलग जीरो होंगे अलग अलग ज़ीरो होंगे एक बार तीन वाई माइनस टू बराबर जीरो तीन वाई माइनस टू बराबर जीरो तो वाई का मान आएगा दो बटे तीन अगली बार सात वाई प्लस वन बराबर जीरो सात वाई प्लस वन बराबर जीरो तो वाई का मान निकालेंगे एक को साइड लेड एक बटे सात आ जाएगा अब सत्यता की जांच करना है मैं सत्यता की जांच सत्यता की जांच करना है सत्यता की जांच के लिए शून्यंकों का योगफल निकालेंगे देखिए शून्यंकों का योगफल फल शून्यंकों का योगफल शून्यंक कितना था दो बटा तीन दो बटा तीन था माइनस एक बटा सात माइनस एक बटा सात योगफल का मतलब जोड़ दो बटा तीन इनका लय लेकर हल करेंगे हम लय कितना होगा देखिए तीन का तीन ऋण तीन और सात दुनी चौदह और नीचे सात त्रिक इक्कीस चौदह में से तीन निकालेंगे ग्यारह बटे इक्कीस आएगा कितना आएगा ग्यारह बटे इक्कीस इसी को हम देख रहे हैं सेट कर सकते हैं क्या माइनस यक्ष का गुणांक इसी को लिख सकते हैं माइनस यक्ष का गुणांक बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं यानी कि सत्यता की जांच हुई देखिए माइनस यक्ष का गुणांक लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ग्यारह बटे तीन हो जाएगा यक्ष स्क्वायर का गुणांक अगर सात रखेंगे तो तीन में गुणा हो जाएगा तो ग्यारह बटे इक्कीस आ जाएगा शूनकों का गुणनफल निकालेंगे का गुणनफल जब का गुणनफल निकालेंगे शून्यंक हमने दो बटा तीन निकाला और गुणा कर दे रहे हैं माइनस एक बटा सात अब देखिए आ जाएगा माइनस दो बटी इक्कीस आ जाएगा अब इसी को लिख सकते हैं अचर पद अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांकस स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं अचर पद का मतलब माइनस दो बटा तीन यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब सात सात का तीन में गुणा करेंगे माइनस दो बटा ये कई से ही आएगा बस इस वीडियो में बस इतना ही आज के वीडियो में अगर आप निश्चित रूप से नए हो तो चैनल को